एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल निश्रेया। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें कौन सा सोफा लेना है और कहां से लेना है। बट ये है कि हम जाने की तैयारी में और यहां पर अलग ही काम चल रहा है। पापा और श्रेया दोनों लगे हुए हैं अपने हाथों की रेखा देखने में, चक्र किसमें है, किस फिंगर में चक्र है, किसमें इन्फिनिटी बन रहा है, किसमें शंख बन रहा है, और उसके एनालिसिस प्रेडिक्शंस चल रहे हैं। सुबह से ये काम चल रहा है। मुझे लगा था कि अब फ्री होकर के शाम को हम लोग शायद मार्केट जाएंगे, लेकिन यहाँ तो काम ही नहीं हो गया। चलो चले पापा, चलो फाइनली चलो। तो प्रेडिक्शन क्या था? ये था देखो, यहाँ पे तो मैं इन्फिनिटी, यहाँ मेरा। चलो 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 चलो, लेट क्यों हो रहे हो? टाइम हो गया, देखो टाइम हो गया। कहाँ पहुंचे मेरा? अरे तू हमेशा मेरी वो क्यों निकालती रहती है? ओए ओए काली टोपी वाले, तो हम लोग आए हैं आइकिया स्टोर। यहाँ पर हम आए हैं आइडियाज लेने के लिए कि अपने घर में हर रूम को हम किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, क्या फर्नीचर, किस तरह की लाइटिंग्स लगाई जा सकती हैं, और इन्हीं सब के बेसिस पे हम प्लान करेंगे कि हमें किस कलर में सोफ़ा लेना है। तो कहाँ से लेना है वो हमने डिसाइड कर लिया है, वो आपको लास्ट में बताएंगे। लेकिन किस कलर का लेना है, कैसा फैब्रिक होना चाहिए, कितना बड़ा लेना है, वो सब के आइडिया लेने के लिए हम आए हैं आइकिया। अगर आपने नया नया घर लिया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि घर को किस तरह से डेकोरेट किया जाए, कहाँ पर क्या चीज़ लगनी चाहिए, लाइटिंग्स कहाँ होनी चाहिए, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, मैचिंग के कर्टेंस क्या अभी चल रहा है, मतलब पैटर्न में क्या है, क्या चीज़ बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो आइकिया वो जगह है जहाँ से शुरुआत की जानी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, इसीलिए हम लोग भी आइकिया आए हैं, क्योंकि हमें भी अपने घर को डेकोरेट करना है। हमारे ऑलमोस्ट सभी बेडरूम्स, लिविंग रूम और फैमिली रूम अभी अनफर्निश्ड हैं, यानी पूरी तरह से फर्निश्ड नहीं हो पाए हैं जैसा हम लोग सोचते हैं कि घर को होना चाहिए, उस तरह से अभी डिज़ाइन नहीं है। तो यही रीज़न है कि हम लोग भी आइकिया आए हैं कुछ आइडियाज़ लेने के लिए कि अपने फैमिली रूम को, लिविंग रूम को कैसे हम डेकोरेट कर सकते हैं, सोफ़े के साथ में हमें और क्या चीज़ लगाने की ज़रूरत है, लाइटिंग्स कैसी होनी चाहिए, किस कलर में सोफ़ा होना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर सैम्पल रूम्स हैं, इन सैम्पल रूम से आइडिया मिल जाता है कि एक रूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह का फर्नीचर होना चाहिए, साथ में मैचिंग कर्टेंस क्या हो सकते हैं, आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो वो सब देख करके आइडिया लग जाता है। लाइटिंग्स कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर लगी होनी चाहिए, किस तरह के आप पिक्चर्स हैंग कर सकते हैं वॉल पर, बाथरूम्स में क्या क्या चीज़ें लगाई जा सकती हैं। अपने घर के लिए, लिविंग रूम के लिए, फैमिली रूम के लिए, तो हम लोगों ने दो तीन जगह पर एक्सप्लोर किया कारपेट की रेट्स। ये है, यहाँ जितने भी अभी कारपेट दिख रहे हैं ये इंडो आगरा है, यानी आगरा सिटी में बने हुए हैं। इन कारपेट्स की खासियत ये है कि ये हैंड नॉटेड है, और हैंड नॉटेड होने की वजह से इनकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है।
7x9 का, करीब करीब 8x10 के आसपास का है और इसकी रेट आप देखेंगे 1300 अराउंड है। और यही चीज तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि ये हैंड नॉटेड है, बट इतने ही साइज का वॉलमार्ट होम डिपो में जो रग है उसकी प्राइस आती है करीब करीब $200। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना एक्सपेंसिव हो गया, 6 times ये ज़्यादा महंगा है। जो रेगुलर यहाँ पर जो कारपेट्स बिकते हैं उसके कंपैरिजन में ये 6 times ज़्यादा महंगा है। यहाँ पर है, पेरेंट्स को कुछ भी सोच के आने की जरूरत नहीं कि उनको अपने बच्चे के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर आकर के वो देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं। बस पर्स लाने की ज़रूरत है, पर्स लाएं, यहाँ से जो लेकर के जाना है वो यहाँ से लेके जा सकते हैं। ये सेक्शन देखो छोटे बच्चों का, आपको याद है अपने बचपन में गेम हुआ करता था किचन सेट, है ना। मैं अपना बताती हूँ, जब छोटी थी ना मैं सच में मुझे किचन सेट इतना ज्यादा पसंद था, शायद हो सकता है यही रीजन है कि कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बचपन में भी ना मेरी डिमांड होती थी कि मेरे को किचन सेट ला करके दो, किचन सेट ना मुझे सब कुछ चाहिए था, ऐसे छोटे छोटे से कप्स प्लेट्स क्रॉकरीज कुकिंग वेयर मुझे बहुत पसंद थे। फिर कितने प्यारे प्यारे से ना, कितने छोटे बच्चे काम में लेते थे। किड्स सेक्शन जहाँ पर बच्चों के बेडरूम्स हैं, गर्ल्स के, बॉयज़ के, इन्फेंट्स के, या फिर टीनेजर्स हैं, टोडलर्स हैं, तो उनके हिसाब से बेडरूम्स डिज़ाइंड हैं। तो ये सैम्पल रूम्स हैं, आगे गए ये सेक्शन है ऑफिस का। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से ऑफिस सेटअप किए हुए हैं, अलग अलग डिजाइन हैं। ऑफिस पूरा ऑफिस फर्नीचर है, मतलब आप अपने ऑफिस को कैसे सेटअप कर सकते हो, कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कैसे आप लगा सकते हो, कितना बढ़िया इन्होंने ऑफिस सेटअप किया। स्पेशली आजकल बहुत चल रहा है कि बैठे बैठे काम करना नहीं प्रेफर करते लोग, क्योंकि बैठने से थोड़ा सा और नीज इश्यूज और ये सब होते हैं। तो देखो इसकी जो टेबल की हाइट है वो इतनी है कि आप खड़े रहकर के काम कर सकते हो। तो काफी बड़ा स्टोर है ये आइकिया, 3 stories में बना हुआ है, यानी 3 floors हैं यहाँ पर। फर्स्ट फ्लोर पर एक एरिया है बच्चों के लिए, जहाँ पर अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप उनको अपने साथ में शॉपिंग के टाइम पे नहीं ले जा पा रहे हो, तो फैसिलिटी है कि फ्री सुपरविजन में बच्चे वहाँ पर रह सकते हैं, खेल सकते हैं, जब तक कि आप पूरी शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग सेकेंड फ्लोर पर हैं। सेकेंड फ्लोर पर हमने देखा बेडरूम फर्नीचर, साथ में ऑफिस फर्नीचर भी देखा। और फर्स्ट फ्लोर पर है रिलेटेड टू बाहर पैटियो या आउटडोर जो प्लांट्स होते हैं या फिर आउटडोर फर्नीचर होता है, वो फर्स्ट फ्लोर पर देखने को मिला हमें। और इसके बाद में अब हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पर। तो थर्ड फ्लोर पर है किचन, किचन मॉडल्स मिलेंगे, लिविंग रूम सैम्पल्स हैं, मतलब सैम्पल रूम्स हैं, फैमिली रूम के सैम्पल रूम्स हैं, और उनसे रिलेटेड फर्नीचर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक बहुत ही प्यारा सा इन्होंने फैमिली रूम के हिसाब से कैसा इंटीरियर होना चाहिए वो एक सैम्पल। मुझे लगता है शायद डिम लाइट्स का ना यही कॉन्सेप्ट है, इससे ना रूम थोड़ा सा आपका थोड़ा सूदिंग। ये विंडोज है नहीं, लेकिन doesn't it give a feel of a window? है ना, ये विंडोज नहीं है, लेकिन रूम में जैसे कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर विंडो होती ही नहीं है, पूरी वॉल ही होती है, तो यहाँ पर इस तरह का
इन्होंने बनाया हुआ है कि वो फील ही आपको विंडो का जैसा देगा। तो ये होती है विंडो लाइट्स। तो ऐसे रूम्स जहाँ पर विंडोज नहीं हैं वहाँ पर इस तरह की विंडो लाइट्स लगाई जा सकती हैं जो बिल्कुल नेचुरल लुक देती हैं, ऐसा ही फील देती हैं जैसे कि वो वॉल नहीं होकर के या कोई पिक्चर नहीं है बल्कि एक विंडो ही। तो ये अलग अलग डिज़ाइंस के मॉडल्स हैं लिविंग रूम के कि आप कैसे लिविंग रूम को सेटअप कर सकते हैं या फिर किस तरह का फर्नीचर लगा सकते हैं। अगर विंडो नहीं है तो कितनी बड़ी विंडो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, उसके ऊपर इन्होंने ब्लाइंड्स भी लगाई हुई हैं ताकि बिल्कुल नेचुरल विंडो का लुक आए। तो ये पूरा सेटअप बनाया हुआ है, पूरी तरह से सेटअप कर रखा है कि किस तरह के फर्नीचर्स के साथ में अगर आप ऐसे सेटअप करते हैं तो आपके रूम का लुक कैसा आएगा। तो यहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ हम भी ले रहे हैं ताकि अपने घर में कोई कुछ चेंजेस अगर करने हैं या किस तरह से हम अपने रूम को डेकोरेट करें, कैसे अपने लिविंग रूम को या फैमिली रूम को डेकोरेट करें, वो सारे आइडियाज़ हम यहाँ से ले रहे हैं। तो ये है मेरी ड्रीम किचन, इतना बड़ा साइज, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स और साथ में इतने सारे इसमें स्टोरेज का स्पेस बहुत है, बहुत सारे कैबिनेट्स एंड क्लोजेट्स हैं। तो स्टोर भी क्लोज़ होने वाला है, हम लोग भी चेकआउट कराएंगे और आइकिया से हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। काफ़ी बड़ा स्टोर है, जितना हो सका कोशिश करी हमने जितना हो सकता उतना कवर करने की, लेकिन इतना बड़ा स्टोर है कि एक वीडियो में इसको पूरा कवर करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, हमने कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया है और वो लेकर के अब हम घर निकल रहे हैं। तो लीजिए घर हम आ गए हैं और आज जो डिस्कशन मेन होना है वो यही है कि हम लोग सोफ़ा ऑर्डर कर रहे हैं, कौन सा वाला ऑर्डर करेंगे, कहाँ से ऑर्डर करेंगे, तो बस उसी पे चर्चा हो रही है। आइकिया हम जाकर के आए हैं, वहाँ से हमने बहुत सारे आइडियाज़ लिए कि घर में क्या हमें लगाना है, किस तरह से हमें घर को डिज़ाइन करना है, तो वो सब चीज़ें हम बैठे हैं और उसी पर आज चर्चा चल रही है। बीच वाले बीच में से नहीं लगेगा इतना, लेकिन अगर साइड पे जरा सा प्रेशर पड़ रहा है ना, मैं भी नोटिस कर रही हूँ, तो ये ना ज्यादा दब रहा है। ये भी हो गया और ये ओटोमैन की जो सीट है ना, ये भी होने लगी है। ये सोफा हमने ऑर्डर किया था 3 महीने पहले, कॉस्को से ऑनलाइन ऑर्डर किया है और ये सेक्शनल है। इसके बारे में हमें यही लगता था कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि हमने 2-4 बार देखा था और जब ये आया था तो अच्छा खासा इसकी सीट्स फर्म भी थी, केवल एक कलर का ही प्रॉब्लम था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये यूज़ हो रहा है हमने नोटिस करना शुरू किया कि ये थोड़ा सा सैग होना शुरू हो गया, यानी कि जो इसकी गद्दियाँ हैं वो साइड से दबनी शुरू हो गई हैं। तो अगर 3 महीने में इसका ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि 1 साल में इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी।
तो यही सब सोच करके हम लोग थोड़ा सा अपना मन बना रहे हैं कि नया सोफ़ा हमें लेना है और टाइमली उसको ऑर्डर कर देंगे और इसको हम रिटर्न करने की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी वारंटी है। वारंटी के अंतर्गत ये था कि अगर एक साल के अंदर अंदर अगर ये सैग होने लगता है तो इसको हम रिटर्न कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको रिटर्न करेंगे, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसको हम रिटर्न कराएंगे कॉस्को में, और दूसरा जो ऑर्डर कर रहे हैं वो भी कॉस्को से ही ऑर्डर करेंगे। इसके लिए भी जो नया सोफ़ा ऑर्डर कर रहे हैं उसके लिए भी हमने वारंटी की सोची है कि उसको वारंटी में ही लेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि हमें अगर नहीं सूट करेगा, नहीं समझ में आएगा, तो उसको हम एटलीस्ट हमारे पास कुछ वारंटी होगी कि इतना महंगा अगर सोफ़ा ले रहे हैं तो उसको हम रिटर्न कराने का हमारे पास में ऑप्शन रहे। आप लोगों को एक और चीज़ मैं बताऊंगी, इनफैक्ट बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी भी। हमने टीवी ऑर्डर किया था, LG का टीवी है, 70 inches हमने ऑर्डर किया था, इसको Amazon से ऑर्डर किया और उसकी डिलीवरी आई थी आज दिन में ही आई थी। तो काफी भारी था, हमारे लिए मुश्किल था बॉक्स में से निकालना और फिर उसको ऊपर सेटअप करना। तुम लोग तो काम कर रहे थे उस टाइम पर। हाँ, जब वो आए ना तो हम लोग उसको उठता भी नहीं, वो लोग उठा के ऊपर सेटअप करके गए। अच्छा, उन्होंने ही करा, हमारे तो बस की बात भी नहीं थी, क्योंकि वीकडेज में मतलब दिन के टाइम पर आए थे, तब ऑफिस चल रहा था तो हमारी मीटिंग्स चल रही थी, उसमें हम बिजी थे। तो हम लोग देख नहीं पाए क्या डिलीवरी आई, क्या किया। तो मम्मी पापा ही थे उस टाइम पे, वही पूरा उन्होंने इंस्टॉल करवाया है, तो वो अनबॉक्स किया उन्होंने, ऊपर सेटअप किया, लेकिन काफी अच्छा है ना। अभी चलते हैं उसके, देखते हैं कैसी स्क्रीन है, कलर कैसे है। तो ऊपर हमने उसको सेटअप किया, क्योंकि बेसमेंट में हमारे पास एक टीवी है, फैमिली रूम में यहाँ पर भी एक टीवी है, ऊपर कोई टीवी नहीं था, और बेडरूम से हम टीवी लगाना नहीं चाह रहे, क्योंकि बेडरूम थोड़ा सा ऐसे रखेंगे जहाँ टीवी नहीं होगा। तो एक रूम जो एक्स्ट्रा है वहां पर हमने टीवी को सेटअप किया है, तो चलिए वहां चलते हैं। ये देखो, यहाँ तो ऑलरेडी गैंग लगी हुई है। ये देखो, ये इंस्टॉल किया है वो। हाँ नहीं, आप ये देखो यहाँ पे चल क्या रहा है, ये मतलब कुछ भी चल सकता है, मतलब क्या यहाँ के फर्नीचर में देखो ना, ये टेबल जो है पापा को ही नहीं पता, 3 pieces में है ये, नहीं पता पापा को, एक तरह से फ्रेम है। अच्छा हाँ, और ये 3 इसके जो है ये ग्लास है, तो इजीली उनसे उठ गया, इजी टू इंस्टॉल था। इसी हिसाब से ऑर्डर किया था एक्चुअली, इसके साथ में ना ऑप्शन आ रहा था कि टीवी के साथ में ना टेबल का भी उसके साथ ही ऑप्शन था, तो हमने एक साथ ही दोनों ऑर्डर कर दिए कि टीवी के साथ में टेबल तो चाहिए ही ना, फिर अलग अलग कैसे करते। क्या ढूंढ रहे हो निश्रया? ओके, इट्स वेरी इजी टू सर्च, केवल निश्रया की स्पेलिंग डालो, डबल ए, बस निश्रया डालोगे, इसको सर्च करोगे, सर्च करते ही निश्रया के चारों चैनल्स आ जाएंगे। नहीं, डबल से आएगा। ये देखो, निश्रया किचन का नाम चेंज हो गया है, निश्रया किचन से निश्रया हो गया है, और सेकंड चैनल निश्रया इंजॉय का। पापा ने देखा नहीं, मम्मी ने भी देखा, मम्मी देख रही है, अब तुम लोग सर्च कर रहे हो तो तुमको पता पड़ रहा है। निश्रया देसी फैमिली इन यूएस देख लेना वीडियो, ये देख, अब यहाँ पे सारे वीडियो आ जाएंगे। इसके कलर देखो कितने ब्राइट हैं। नहीं, देखने में ही बड़ा मस्त लगा था जब आया ना, हमने देखा चला करके, वो चला के दिखा के गए थे हमारे को। अच्छा, कलर्स बहुत अच्छे हैं ना, कलर्स बहुत ब्राइट है। अच्छा, स्क्रीन इतनी बड़ी है, मुझे आगे देखने में। हाँ, तो आप देखो पूरी वॉल ले ली, इसे 70 inches का है, पूरी वॉल ले ली है। बचपन में सपना हुआ करता था ना खुद को टीवी में देखने का। सब सेटिंग चेंज किया, कलर्स अच्छे हैं। हाँ। तो ये पापा आपकी है बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू बेटा, मैंने निशु को मना भी किया था, मैंने कहा मतलब है कलर टीवी, जो 2 TV नीचे हैं तो फिर क्या मतलब है तीसरी मंजिल पर आने से, माना ही नहीं वो। बोले आप लोग क्या, हम तो नीचे काम करते हैं, नीचे बच्चे पढ़ते हैं, अब आप लोग अकेले बैठे बैठे बोर हो जाओ, क्या करो बैठे बैठे, तो इसलिए आपके लिए यहाँ पर लगा दिया। अब सही हो गया ना, आपके लिए टीवी हो गया, आराम से ऊपर टीवी देखो।
मैंने कहा हम देखते कितना सा है, लेकिन बोले नहीं आराम से देखो ना, क्यों नहीं देखो, देखो। वॉल्यूम थोड़ी सी आप लो करो, लो करो वॉल्यूम। अब इस रूम का सेटअप थोड़ा सा बेटर हो गया, रूम का सेटअप अच्छा हो गया अपना। ऊपर अब ये प्रॉपर फैमिली रूम हो गया। सबसे बड़े जो भी सबसे बड़ा होगा वो यहां पे होगा, वो यहां पे होगा, यहां पे बैठेगा वो, लड़ेगा। तो टीवी देखो तुम तो आराम से, तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चूल्हे की दाल रोटी खाते रहे।